सवाल कई सारे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा इस सीट पर कायम रहेगा? पहले जनता के मुद्दों की बात करेंगे, फिर जानेंगे सियासी समीकरण। भैया क्या नाम है आपका? शिवानंद सिंह। हाँ शिवानंद जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? बहुत अच्छा माहौल है, नरेंद्र मोदी जी का माहौल है, 400 पार होने जा रहा है। अच्छा। और माननीय ब्रजभूषण सिंह के जो सुपुत्र करण भूषण सिंह 33 साल का युवा है, क्षेत्र में काम करेगा, सांसद जी के विकास को आगे बढ़ाएगा और 5 लाख पार जाकर के। ठीक है, 5 लाख। भैया इधर आ जाइए। ये भैया क्या नाम है अपना? फिरोज भाई, क्या माहौल चल रहा है इधर? हाँ साइकिल चल रही है। साइकिल चल रही है, बिल्कुल। हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे? नहीं, इस बार नहीं लगा पाएंगे। हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा है, कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। डॉक्टर अरविंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कई सारे मुद्दे, कई सारे विवाद, लेकिन आखिरकार जनता भी कह रही है कि हैट्रिक लगेगी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा ऐसा। नहीं मृदुल जी, मैं नीचे से पकड़िए जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि जीत का दबदबा माननीय सांसद जी के बेटे हमारे कैसरगंज के लिए लाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मुद्दे क्या हैं जनता के? आपने नहीं सुने, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे हैं हाँ। उन मुद्दों का निराकरण करेगी आने वाली सरकार और नया हमारा प्रत्याशी करण भूषण। अवधेश जी, अरविंद जी ने बता दिया है कि जो मुद्दे हैं कि आने वाली सरकार, मतलब नई सरकार जो आएगी वो समस्या को निदान कराएगी, सबसे बड़े मुद्दा है। और जो सांसद जी का आप बता रहे हैं दबदबा, हाँ। दबदबा पूरे कैसरगंज से कम हो गया है। अच्छा। दबदबा केवल जनता का है और जनता इस बार उनकी दबदबा को खत्म करके जनता दूसरे की दबदबा बना देगी यहाँ पे, दूसरे का दबदबा बन जाएगा। हाँ भैया, क्या नाम है भैया अपना? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे बहुत है, विकास है, विकास हो भी रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे क्या है आप लोगों के? नेशनल स्तर पे तो विकास हो रहा है, प्रदेश स्तर पे हो रहा है, लोकल की बात तो यहाँ की जनता ही बताएगी। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है क्या? हम यहाँ के हैं, विकास हो रहा है, विकास बहुत कुछ दिख रहा है। अच्छा, तो देखिए विकास ऐसा हो रहा है कि जनप्रतिनिधि के कान तक बात ही नहीं पहुँचती, कुछ छुटभैया नेता जो मुकदमे लिखवा रहे हैं उस बीच में जो है ब्रिज नहीं बन पा रहा है, बीच में ब्रिज नहीं बन पा रहा। क्या नाम है भैया अपना? मेरा नाम राकेश कुमार मौर्य। मौर्य साहब, क्या मुद्दे हैं? अरे यहाँ मुद्दे कुछ नहीं है, मोदी मोदी है। अच्छा। और ये जो गठबंधन बनाए हैं घोटालाबाजों की, जैसे वो अखिलेश के पास आए थे, वो क्या कहते हैं उनको, केजरीवाल गुलदस्ता कल भेंट कर रहे थे, अरे वो घोटालाबाज 600 करोड़ का शराब घोटाला कर लिया। स्वाति जी मारी पीटी गई उनके पार्टी के सांसद। स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी उठा हुआ है, इसलिए मैं दुर्गविजय जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपके साथ भी आ जाते हैं, दिल्ली में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, स्वाति मालीवाल का मुद्दा चर्चा में, आपने खुद सुना। देखिए निश्चित रूप से स्वाति मालीवाल हमारे देश की मातृशक्ति के रूप में हैं, हाँ। एक महिला हैं, हाँ। और महिला के साथ जो भी घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ऐसी घटना के लिए किसी को प्रेरित नहीं करती है, ऐसी घटना का विरोध करती है। अवधेश जी, अवधेश जी मणिपुर बता रहे हैं कान में, लेकिन ये बता दूं मैं आपको, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये साजिश है बीजेपी। लेकिन उसके साथ साथ, हाँ, मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ सरेआम सड़क पर घसीट कर उनको नंगा करके उनका बलात्कार किया जाता है, हाँ। उन्नाव में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक मात्र शक्ति के साथ बलात्कार करते हैं, हाँ। बाद में जेल जाते हैं। आगे चलिए, तमाम घटनाएं ऐसी देखिए। तो ये केस भी वैसा ही है, ये केस भी वैसा ही, आप ये कह रहे हैं जैसा मणिपुर था, जैसा उन्नाव था, ये केस भी वैसा ही है स्वाति मालीवाल का। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से, मैंने आपकी बात मान ली, आपने कहा मणिपुर में हुआ, मैं मान लेता हूँ, क्या स्वाति मालीवाल का केस भी ठीक वैसा ही है? यहाँ पर भी आप बता रहे हैं कि विभव कुमार विक्टिम है या स्वाति मालीवाल विक्टिम है, क्या क्या, क्या कहना? मैं चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, अगर वो दोषी, क्योंकि दोनों को नहीं बताया जा सकता ना। अरविंद जी मैं आपके पास आऊँ, उमेश जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जाति का माहौल बना दिया है ब्राह्मण चेहरा उतार के, ब्राह्मण बोल सीट पर। जाति का माहौल नहीं है, हमारी नेता ने हमेशा सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले का अख्तियार किया है, हाँ। बड़े गर्व की बात है कि देवी पाटन मंडल में बहुजन समाज पार्टी ने 2 दिग्गज ब्राह्मणों को टिकट दे करके यहाँ उतारा है, मैं बहन जी को आभार व्यक्त करता हूँ। तो मतलब ब्राह्मण चेहरा आपका सोशल इंजीनियरिंग है, जाति नहीं है? नहीं, सोशल ब्राह्मण चेहरा, ब्राह्मण के बल पर तो सब फल फूल रहे हैं। ठीक है, और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है अपना? मेरा नाम विवेक है। हाँ विवेक जी, मुद्दे बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आपकी सरकार आर्थिक सुधारों की बात करती है, हाँ। और दूसरी तरफ इन नेताओं को 5-5 पेंशन दे रही है। इस तरीके से आप आर्थिक सुधार करेंगे, दूसरी तरफ
जवानों को पेंशन नहीं, अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं, और उनकी नौकरी तक आप खा गए, उनकी नौकरी अब 4 साल की रह गई। ठीक है, पेंशन का मुद्दा खड़े हो जाइए भैया। देखिए ये टी शर्ट विशर्ट पहन के आए, बहुत सारे मुद्दे हैं भैया। आपने स्पेशल बनवाई है क्या, संगठन से जुड़े हुए किसी? संगठन से जुड़े हुए, हमारा संगठन एमओपीएस अटेवा पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। सीआईएसएफ बीएसएफ जैसे हमारे जवान, अभी हमने शाम को देखा हमारे कैसर में आईटीबीपी के जवान हमारे और सीआईएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो शहीद हो जाते, चाहे पुलवामा हमारा जवान शहीद होता हो। क्या हम अपने भाइयों से पूछना चाहते हैं, अपने साथियों से पूछना चाहते हैं जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? पेंशन का मुद्दा है डॉक्टर अरविंद जी, जवाब दीजिए पेंशन पर, आप क्या कहना चाहते हैं? पेंशन मान रहा हूँ आजकल के समय में है चुनावी मुद्दा, हाँ। बना रहे हैं, लेकिन ये आज का पेंशन नहीं, 2004 में पेंशन जब बंद की गई थी उस समय आपको याद होगा, बहुत लोग अगर यहाँ बैठे होंगे, क्यों बंद कर गई थी, कितना बढ़ा के काम किया गया था कि जो हाँ। हम धीरे धीरे मान लिया, लेकिन आपने क्या किया उसके लिए? अब आगे आने वाली सरकार, 10 साल से आप सरकार में, ये क्या किया? नहीं, अब चुनाव की इनकी समस्याएं आ रही, उन समस्याओं का एक निदान करने के लिए कोई ना कोई उपाय करके एक कमेटी बना के उसका कोई नहीं कहीं एक अच्छा कुछ सुझाव दिया जाएगा। कमेटी बनाएंगे भैया अवधेश जी, आप कह रहे हैं कि आप सरकार में आ रहे, कमेटी कौन बनाएगा ये बताइए? सरकार हमारी आ रही है, इंडिया गठबंधन की आ रही है। तो पुरानी पेंशन का क्या करेंगे फिर आप लोग? पुरानी पेंशन का उन्होंने कहा है कि हम हमारे गठबंधन में कि लागू करेंगे, हाँ। और लागू होगा, जो जो वादा करते कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने कहा किसान कर्ज माफ करेंगे, 2009 में करके दिखाया, हाँ। माफ होगा, उन्होंने कहा 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, वो देंगे, 500 रुपया सिलेंडर में दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, बहुत सारे वादे हुए। ठीक है अवधेश जी, मैं आ रहा हूँ एक बार जनता का रुख करूंगा मैं, जनता में और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और भी लोग, हाँ हाँ भैया, एक मिनट, हाँ खड़े हुई, क्या नाम है अपना? सैयद वसीम हसन। बताइए सैयद। सर मैं इन भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे नौ, आप कहाँ से हैं? कसरीगंज से। इन भाजपा वाले, आप जनता है किसी पार्टी से? नहीं, मैं पार्टी में, मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर अरविंद साहब से कि हमारे नौजवान भाइयों को नौकरी कब मिलेगी, युवाओं को नौकरी कब मिलेगी? हाँ भैया, और किसी के मुद्दे हैं? क्या नाम है अपना? क्या? अनोखे लाल। अच्छा अनोखे लाल जी, ये बताइए किसकी सरकार शाइन करेगी, मोदी जी की या गठबंधन की? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, हाँ भैया खड़े हो जाइए, क्या नाम रहता अपना? शिवसहाय सिंह। शिव जी, क्या किसकी सरकार शाइन करेगी इस बार? मोदी जी की सरकार शाइन करेगी, उनके में ये नहीं पता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो आपस में झगड़ा करेंगे नेवरार बिल्ली, इसलिए सरकार मोदी की बनेगी और मोदी मय है यहाँ कोई। अच्छा मोदी मय है, हाँ हाँ भैया आ जाइए, किसकी सरकार शाइन करेगी? यहाँ पे गठबंधन की सरकार आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो गठबंधन करेगी वही होगा, और कोई नहीं हो सकता। अच्छा दो बार से तो जीत रहे हैं ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण जी जीत रहे हैं, यहाँ का विकास दिखाए, वो विकास नहीं हो पा रहा। क्यों भैया, क्या नाम है अपना? किसकी सरकार शाइन करेगी इधर? सर हमारे यहाँ सरकार तो इंडियन, हमारे बहन जी की सरकार बनेगी। बहन जी की सरकार बनेगी, हाँ। एक मिनट, और